जब 4 जून को पूरा देश इलेक्शन रिजल्ट में बिजी था, तो उसी टाइम पे करीब देश के 24 लाख स्टूडेंट्स नीट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। और जब ये रिजल्ट आया तो इसने सबको चौंका दिया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA पे बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। एक्चुअली नीट के रिजल्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई और उनका स्कोर भी एग्जैक्ट 720 आया। अब जैसे ही ये चीज आई तो बहुत सारी बातें स्टार्ट हो गई कि इतने सारे बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे आ सकती है। और अगर 2023 की बात करें तो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने ये चीज अचीव की थी। दूसरी चीज इसमें स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ कि 67 में से 8 बच्चे सबने एक ही सेंटर में अपने एग्जाम दिए। इन रोल नंबर्स के पहले 7 नंबर आप देखिए। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज और हुई, ऑल इंडिया रैंक 1 के बाद के जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर 719 और 718 है, जो कि अगर हम नीट के मार्किंग सिस्टम को समझें तो ये स्कोर आना मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली नीट के हर क्वेश्चन के सही जवाब पे 4 मार्क्स मिलते हैं और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो हर गलत जवाब पे -1 मिलता है। तो अगर कोई 180 क्वेश्चंस में से एक अगर गलत कर दे तो उसको 720 -4 -1 715 मार्क्स मिलेंगे। या फिर दूसरा केस लें कि अगर कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करे उसके 716 आएंगे। तो ये जो 718 और 719 मार्क्स आए हैं तो ये मैथमेटिकली फिट नहीं बैठ रहे। और जब इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठने लगे तो NTA ने कहा कि उसने कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसने स्टूडेंट्स को लॉस्ट टाइम के ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब सवाल इसमें ये उठता है कि क्या ग्रेस मार्क्स जो हैं वो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स को मिले हैं जिनके मार्क्स 718 और 719 हो गए हैं और वो भी जो सेम सेंटर में थे। इन सारे सवालों के जवाब लाखों स्टूडेंट्स NTA से मांग रहे हैं और इस पे इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं।